मेले में हुई मारपीट के बाद रामगढ़ थाने पर घायल रमेश नामक युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह रामगढ़ कस्बे में भरे भैरू जी के मंदिर के मेले में उसकी पत्नी और परिजनों के साथ प्रसाद चढ़ाने गया था। प्रसाद चढ़ाने के बाद जब उसकी पत्नी मेला देखने के लिए जा रही थी, उस दौरान मंदिर के पास तीन मनचले युवक खड़े थे जिन्होंने मेरी पत्नी के साथ गंदी हरकत की। इस बात को लेकर मेरी पत्नी ने शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। रमेश ने बताया कि उसने भैरू जी के मंदिर के सामने समोसा कचौरी की दुकान लगा रखी थी। पत्नी की आवाज सुनकर वह दुकान छोड़कर देखने के लिए गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और परिवार के साथ तीन युवक गंदी हरकत कर रहे थे। इसका विरोध करने पर उन तीनों युवकों ने रमेश के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। युवक के मुताबिक जब उसका भाई बीच बचाव करने लगा तो उन तीनों युवकों ने धारदार हथियार से उसके भाई के सिर पर भी वार कर दिया, जिसके बाद युवक जान बचाकर अपनी दुकान की तरफ भागा तो वह तीनों बदमाश भी भागते हुए उसकी दुकान पर पहुंचे और मारपीट करने लगे। इस दौरान युवकों द्वारा दुकान के गल्ले में रखी नकदी भी निकाल ली गई। यह युवक फरार होते उससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक लक्ष्मी नारायण यादव को गिरफ्तार कर लिया। झगड़े की सूचना पर DSP कमल प्रसाद मीणा भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्या घटना हुई आपके साथ? सब दुकान बैठा था, मैं तो ये चार पांच जना है और लेली दिन छेट लग गए थे। हम दुकान से गए तो हमारे हाथ पाई की गई और हमारे पंच से लाठी से तलवार से हमारे साथ हाथ पाई गई। कौन लोग थे वो? सब एक तो यस्तार एक कैलम यस्तार चार पांच जने थे, सब ने हाथ पाई करी थी। थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी? करवा दी साहब। आज कस्बा रामगढ़ में भैरू जी का मेला था। उस मेले में सायंकाल के समय कस्बे के ही लोग ज़्यादातर भैरू जी के प्रसाद चढ़ाने आते हैं। इसी दरमियान एक महिला के साथ में पास के ही गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ गलत टिप्पणी की गई, जिसकी शिकायत उसने अपने पति को की। पति ने उन लड़कों को टोका तो इस बात पे झगड़ा हुआ है और पति रमेश के साथ और उसके भाई के साथ तीन चार लोगों द्वारा मारपीट की गई है। मारपीट करने वाले रमेश के ही समाज के लोग हैं, एक व्यक्ति उसमें यादव है, बाकी अन्य जाटव समाज के लोग हैं।